मुसलमान ने आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी ये नहीं कहा कि जाओ लड़को हिंदू लड़कियों को या दूसरे बिरादरी की लड़कियों को लाओ, उनको मुस्लिम बनाओ, कभी नहीं कहा आज तक। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये किस्सा हो रहा है। इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। मुंबई का एक हाई पावर डेलीगेशन, मुंबई के मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े उलमाए कराम आज आकर के आदरणीय शिंदे साहब से मुलाकात किया मुख्यमंत्री जी से कि रमज़ान कल से शुरू हो रहा है और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने में लगे हैं। उनको लगता है कि सांप्रदायिकता फैला के इस सरकार को बर्बाद करना है और सिर्फ वोटों की पोलराइजेशन करने के लिए झूठी बातें, जिस बात का कोई अता पता नहीं है, जिसमें 1% सच्चाई नहीं है, ऐसी बातों को लेकर रोज़ाना महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं रैली निकल रही है और मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में दिन में लोग ज़्यादा सोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रात को छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, रात को दुकानें चलती हैं, तो ये सब मसले को लेकर मुख्यमंत्री जी से कहा गया है कि ज़रा इस पर नज़र रखिए और ऐसी शक्तियाँ जो बाहर से आकर यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की, उन्हें महाराष्ट्र में एंट्री मत दीजिए। और रमज़ान के महीने में लोगों की दुकानें खुली रहेंगी, लोग रात को छोटी छोटी फैक्ट्री वाले दिन में सोते हैं, रात भर काम करेंगे, तो इसमें कहीं भी पुलिस की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी किसी को तकलीफ ना होने पाए। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महाराष्ट्र में आराम से हम हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी को फैलाने की कोशिश करेंगे और रमज़ान में किसी तरह का कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी परेशानी। ये उन्होंने हमको आज जो है खुला आश्वासन दिया है पूरे डेलीगेशन को। हमने मांग किया है, भौकया मांग किया है कि सच्चाई लाओ सामने, लैंड जिहाद क्या होता है, लव जिहाद क्या होता है, सब झूठ है। लैंड जिहाद तो मुसलमानों को करना चाहिए क्योंकि मुसलमानों की वफ की लाख कई लाख एकड़ ज़मीनें कब्ज़ा कर लिया, और लैंड जिहाद का मतलब हमें मकबरे के लिए, हमें कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट की दी हुई ज़मीनों पर जिसमें गवर्नमेंट का दिया हुआ फंड है सारा काम हो चुका है, लेकिन कुछ लोग आके झंडा ले खड़े होते हैं, हम यहाँ पर आपके मुर्दे दफनाने नहीं देंगे, आपको यहाँ जो है फूल नहीं चढ़ाने देंगे, इस तरह की चीज़ें हो रही। इन चीज़ों पर पाबंदी लगाना चाहिए, हमने मांग किया है इसके ऊपर। और लव जिहाद पर मैंने कहा है कि आप जो है ना एक SRT गठित कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, दूध का दूध पानी के पानी कीजिए।